देखिए, स्टेबल पाकिस्तान सारे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है, अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है। साथ साथ में अगर अपने यहाँ इंडिया की बात करेंगे, फार्मर्स का जो पिछले एक हफ्ते से आप भी बखूबी वाकिफ होंगे, जो हालात पैदा हो रहे हैं फार्मर्स की प्रोटेस्ट की सूरत में, किस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है अपनी कंट्री की, वो कहाँ जा रही है? देखिए, फार्मर्स ने, ये आपको खुद पता, किसानों ने जब वो 3 बिलें आई तो सब अपोजिशन ने बहुत शोर किया, ये 3 बिलें जो है इन पर नज़रसानी की जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इसमें जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाए फिर लाए, मगर ब्रूट मेजॉरिटी में ले आए। उसका नतीजा क्या निकला? करीबन 750 किसानों ने शहादत दे दी। और जब यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने वो बिल तीनों वापस ले ली। आज जनरल इलेक्शन आने वाला है, आज किसान फिर से मोर्चा बांधे हुए हैं, क्या पता अब मरकज क्या करेंगे, ये तो वो जानते हैं। और अल्लाह करे कि वो अकलमंदी का इस्तेमाल करें, वो चीज़ फिर से दोहराई ना जाए कि बेगुनाह किसान मारा जाए। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आपको लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा अपोजिशन के लिए? देखिए, अल्लाह करे कि वो हुकूमत और जो पार्टीज हैं वो माने और उस पर अमल करें और ये बताएं कितना मिला है उनको, कहाँ से मिला है और कितना उनका खजाना है इस बारे में। अच्छा है डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट आम आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहाँ से आया और कितना मनी पावर है, ये जरूरी है। अल्लाह करे इलेक्शन आने से पहले ये डिक्लेयर हो और लोगों के सामने आए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इलेक्शंस को आप देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी लग रही है? होगा, मुझे तो लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। व्हाट अबाउट सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ जो टारगेट किलिंग्स का जो इस साल भी हुआ है इसी महीने में शहरी श्रीनगर में, उस हिसाब से जो सिचुएशन है किस पैमाने में आप देख रहे हैं, स्टेबल है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है कि बेगुनाह मारा जा रहा है, उसे कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, मगर जो मारने वाला क्या वो जानता है कि उसका खानदान जिसको उसने मार दिया है उसका क्या होगा? क्या कोई मजहब इजाजत देता है बेगुनाह को मारने का? वो तो गुनाहगार को भी मारने का इजाजत नहीं देता, वो तो कानून है, कानून के सामने जाए। इससे मैं इसकी जबरदस्त अल्फाजों में निंदा करता हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस रियासत ने ये बहुत देखा, मेरी जमात में इतने लोग मारे गए कि मैं, मेरे पास गिनती नहीं है बयान करने। सर, ईडी को लेके, एक क्वेश्चन है मेरा सर, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी या अभी तेजस्वी यादव सर, तो आपको लगता है इट्स अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट? मैं खुद ईडी के अंदर हूँ, मैं क्या कहूँगा इसका? डॉक्टर साहब, आपको भी ईडी की तरफ से बुलावा था, जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अभी ईडी से डरता हूँ, मैं किसी और से नहीं करें। अगर ये समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को जेल लेने से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है,
ये किसी फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से नहीं चलती। डॉक्टर साहब, जब ये आया थी मशीन आई थी, हम लोग हुकूमत में थे और शबी साहब ने उनसे सवाल किया क्या इसमें चोरी हो सकती है। पहले तो वो जो अफसर था खामोश हो गया, फिर सवाल ने फिर से किया, उन्हें कहा इसमें चोरी हो सकती है। अफसोस तो मुझे इस बात का है, उस वक्त की हुकूमत को ये देखना चाहिए था, अगर ये मशीन लोगों के हकूक को छीन सकती है तो इस मशीन को लाना नहीं चाहिए था। क्या होता, इलेक्शन के रिजल्ट 2 महीने के बाद आ जाते, कोई फर्क नहीं होता। डॉक्टर साहब आखिरी बात, क्योंकि जो इस वक्त फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये आगे चलेगा, लंबा खींचेगा, इसका सोल्यूशन क्या है? साथ में जो इमरान खान को पाकिस्तान में रिजल्ट हुआ था सारा, फिर क्या इलेक्शन दोबारा होंगे वहाँ? मैंने आपसे पहले ही कहा, जहाँ तक फार्मर्स का सवाल है, हुकूमत को बहुत जल्दी इस पर नजरसानी करनी चाहिए, इसके बजाय कि यह तूल पकड़े इसको फौरन सुलझाने की कोशिश करें। ये पहाड़ी नहीं है, इसमें तो रिजर्वेशन सबको मिल गई है, पहाड़ी नहीं है, देख खुला हो गया है। सवाल यही है कि उसके बाद अब बाकी पार्टी से जो पहाड़ी लीडर्स हैं या पूंछ राजौरी बेल्ट के जो लीडर्स हैं उनका बीजेपी में आना शुरू हो गया है। आपके फॉर्मर लीडर थे शहनाज गनी साहब, वो थी अभी मुश्ताक बुखारी साहब, मुश्ताक बुखारी ने हमें काफी देर छोड़ दिया, तो क्या इस शहनाज ने भी हमें पहले छोड़ दिया था, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो क्या हुआ? जो जिनका ईमान कमजोर हो वो जाए, हम लोग किसी को रोकने वाले नहीं है। हमारे पास वैसे कोई चीज नहीं जो हम रोक सकते। डॉक्टर साहब 20 तारीख को पीएम यहाँ पर आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन से उनके दौरे से? क्या प्रधानमंत्री का दौरा है जम्मू का, जिसमें बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, वो आए, वो ऐलान करने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट्स का, ऐलान करने वाले हैं नौकरियों का, बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के सियासत में मुबारक।